अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं जुहेब खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। लाहौर के इलाका इचरा से जाली असनाद और डिप्लोमे बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई, जाली असनाद और डिप्लोमे बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान 10,000 रुपए में जाली डिग्री फरोख करते थे। मुलजमान से तैयार डिप्लोमे और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की जाली असनाद भी बरामद। शहबाज हुकूमत का एक और प्रोजेक्ट तहकीकात की जद में, महकमा तालीम और हायर एजुकेशन की मुश्किलात में इजाफा। नैब ने लैपटॉप स्कीम का रिकॉर्ड तलब कर लिया। खरीदारी का मुआयदा 20,000 फी कस में किया गया। रसीदों में एक लैपटॉप की कीमत 38,000 रुपए दर्ज है। हुदैबिया के बाद शरीफ बरादरान की चौधरी शुगर मिल्स का केस भी खुल गया। नैब ने आमदन से जायद असासों और रकूम की मशकूक मुंतकली पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और कुलसूम नवाज के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। चेयरमैन के जेर सदारत इजलास में अल अजीजिया स्टील मिल और हिल मेटल केस में जिमनी रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी। करप्शन के खिलाफ नैब का घेरा तंग। आचीमा के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर तहकीकात होंगी। पैरागॉन सिटी पर अवाम को धोखादही से लूटने के इल्जाम पर इंक्वायरी का फैसला। गैर कानूनी ठेकों पर अनुशा रहमान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान। राजी लीज स्कैंडल में परवेज खटक के खिलाफ तहकीकात के अलावा 34 ऑफशोर कंपनियां बनाने वाले सेनेटर उस्मान सैफ भी तहकीकात की जद में। सिंध काबीना में तौसी का फैसला। सईद गनी आज सूबाई वजीर का हल्फ उठाएंगे। सिंध काबीना के वुजरा की तादाद बढ़कर 18 हो जाएगी। मंसूबा बंदी और तिजारत की वजारत पर मीर हजार बजरानी के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी। सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग, कप्तान गुस्से में, अपने ही अरकान के खिलाफ कमर कस ली। मुलव्वस अरकान को पीटीआई से निकालने का फैसला। चीफ जस्टिस से अस्खुद नोटिस की अपील। खवातीन समेत पीटीआई के 17 अरकान ने जमीर का सौदा किया। परवेज कटक ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। नवाज शरीफ की जबान पर भी हॉर्स ट्रेडिंग की बात। वोटों की खरीदो फरोख के हिसाब पर जोर। अदलिया पर तनकीद करते साबिक वजीर आजम की अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश। कहते हैं कौम सिक्का शाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। फैसले में जान होती तो अवाम जरूर कबूल करते। बड़े ऐवान की सबसे बड़ी सीट की ख्वाहिश। दो सियासी बड़े करीब आ गए। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात 2 रोज बाद इस्लामाबाद में मिलेंगे। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। गवर्नर पंजाब बनने से पहले ही दोहरी शहरियत छोड़ दी थी। तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब रुकन चौधरी सरवर का दावा। नुजत सादिक 2012 में अमरीकी शहरियत तर्क कर चुकी। सादिया अब्बासी ने कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले दोहरी शहरियत छोड़ दी थी। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। शामी फोर्सेस की मशरकी गोता में पेशकदमी जारी। सरकारी फौज ने शहर के एक तहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया। बमबारी में डॉक्टर समेत मजीद 88 अफराद जान बहक। हलाकतों की तादाद 750 से तजावज कर गई। जंग बंदी के बावजूद शहरी महसूर। इमदादी सामान की तरसील भी बंद। अमरीकी शहर ब्रुकलिन में तेज रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। गाड़ी की जद में आकर 2 बच्चे हलाक। खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। चीन ने दिफाई बजट में 8.1% का इजाफा कर दिया। चीनी वजीर आजम का आइंदा दिफा के लिए $175 अरब मुख्तस करने का ऐलान। कहते हैं मुल्की सलामती को मद्देनजर रखते हुए चीनी फौज को पत्थर की मानत मजबूत होना चाहिए। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन का अमरीका की मुजवजा स्टील पॉलिसी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं आलमी इदारों को एक्शन लेना होगा। अमरीका पॉलिसी को आगे बढ़ाता है तो यूरोपीय यूनियन को मुखालफत में आगे आना होगा। ट्रंप का फैसला मौशी कौमियत पसंदी के मुतरादिफ है जो दुनिया के लिए नुकसानदेह है।
और शायकीन का इंतजार अब खत्म होने को। नई साइंस फिक्शन फिल्म प्रोडिजी का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की रिलीज में एक हफ्ता बाकी रह गया। मज़ीद खबरें देखने के लिए विजिट कीजिए हमारा चैनल www.sanjhnews.com और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।